नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एम सी जी अकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इतने समय से जो लंबे समय से आपका जो इंतजार था वो हो गया है ख़त्म आइए आज मैं आप सभी को जितने भी बंदे क्वालिफाइड हो चुके हैं जितने भी बंदे पास हो चुके हैं सभी का नाम मैं आप सभी को जो सुनाने वाला हूँ और आप लोग सुन लीजिए और बताइएगा आप उसमें क्वालिफाई हुए हो कि नहीं अभी मैं घर से बाहर हूँ लेकिन आप लोग देख रहे होंगे अभी भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगातार लेकर के आ रहा हूँ एम सी जी आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ तो आइए चलते हैं मेरिट लिस्ट की ओर और जितने भी बंदे क्वालिफाई हुए हैं उनका नाम जो है मैं बोलने वाला हूँ तो बताइएगा कौन कौन पास हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं आप लोगों के नंबर कितने आए हैं और यदि हमारा कितना क्रेडिट रहा यह सब कुछ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सब कुछ बयां करना है एमसीजी सी अकेडमी के साथ आपका सफ़र कैसा रहा और आइए हम आपको मेरिट दिखाते हैं कितने बंदों का सिलेक्शन हुआ है उनके नाम भी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ तो आइए चलते हैं मेरिट लिस्ट की ओर मेरिट में जो आप लोगों के जो बंदे हैं तो मैं उनका जो है नाम जो है पढ़कर सुनाने वाला हूँ तीन पेज हैं कुछ खास नहीं है और मैं जल्दी से जल्द जो है शुरुआत करता हूँ सबसे ज़्यादा बंदे जो है हमारे वाटर कैरियर में सिलेक्टेड हुए हैं और पहले जो हमारे भाई हैं उनका नाम है राजेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह के पिताजी का नाम है श्री सिंह जो है खाटी और इनका डी सब कुछ दिया गया वाटर से सिलेक्टेड हैं दूसरा है आप लोगों का मैने राजा राम इनका भी सिलेक्शन हो गया है और ये एन सी आर डब्ल्यू सी आर ये सब कुछ उन लोगों को लो पता होगा लेकिन सिर्फ मैं जो है नाम बोल रहा हूँ और यदि आप लोग इसका पी डी एफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को पी डी एफ़ भी मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों एम सी जी अकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं सभी के नाम बोल रहा हूँ जल्द से जल्द बता दिए कौन कौन पास हो गया है और सबसे यहाँ फोकस फादर्स नेम और नेम पर ही किया जाएगा और आप लोगों का रोल नंबर ओके ब्रजेश कुमार सिंह इनका हो गया भैया लाल सिंह पिताजी का नाम है नीतेश कुमार इनका हो गया है और यह नागेंद्र ठाकुर इनके पिताजी का नाम है दीपेश कुमार नेहरा और सीताराम इनके पिताजी का नाम है और रामोद कुमार जी इनका भी हो चुका है जो आप लोग बताना चाहूँगा इनका जो है वाटर कैरियर से ही हुआ यदि कोई अलग कैटेगरी का मिलता है तो मैं बता दूंगा आप लोगों को ओके दीपेश कुमार हो गया रामोद कुमार जी नीतेश कुमार के बाद दीपेश कुमार नेहरा इनका हो गया सीताराम नेहरा इनके पिताजी का नाम है रामोद कुमार गजानंद साहिनी इनके पिताजी का नाम है जितेंद्र कुमार जगदीश शाह इनके पिताजी का नाम है पुष्कर सिंह कुशवा मेघ सिंह कुशवा इनके पिताजी का नाम है मेरे प्यारे भाइयों सभी को बहुत बहुत बधाई हो जिन लोगों का हो चुका है लगभग नाइन्टी आप जॉब की कगार पर हो अगला है आप लोगों का राधे श्याम राजा जो है वादरी प्रसाद रजक इनके पिताजी का नाम है चौहान अजय माधव और माधव विष्णु चौहान इनके पिताजी का नाम था दिलावर दिलावर खान जी आप लोगों का हो चुका है और रफीक अली आपके पिताजी का नाम था अमरजीत मुखिया अमरजीत दिलीप मुखिया इनके पिताजी का नाम अविनाश दोहरे अविनाश अविनाश दोहरे इनका भी हो चुका है और इनके पिताजी का नाम है गजानंद दोहरे ओके विशाल जय खान जयकरण जी हैं और ये विशाल जयकरण पटवा इनका है जयकरण पटवा पिताजी का नाम है बनबार लाल जाट तो राम रा, राम सही जाट इनके पिताजी का नाम था और सदानंद यादव शिया राम यादव इनके पिताजी का नाम सुशांत कुमार जी भी पास हो चुके हैं सुजीत सिंह इनके पिताजी का नाम नागेंद्र धनगर राम सिंह धनकर इनके पिताजी का नाम है सोनू कुमार आप सभी को बहुत ही गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप लोगों का इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों के पिताजी और आपके नाम का जो है आपका नाम का अनावरण किया जा रहा है आप लोग बहुत ही खुश होंगे इतने लोग आपको सुनने वाले हैं देखिएगा और आप अपनी स्टोरी जरूर बयां करें कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को करना है इस पर ओके okay. ये आप लोगों का कहाँ सोनू कुमार सोनू कुमार जगल जो है जमा जमादार इनके पताई का नाम था राहुल पाल मंजिल लाल मंजी लाल पाल इनके पिताई का नाम था और आपको बात करूँगा सुरेश कुमार जाट इनका भी है बनवारी लाल रेशभ कुमार जी अरुण कुमार और मोनू भिमौरिया तो इन सभी का पी डी एफ फाइल चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा काफ़ी लंबा है और लगभग कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा नवासी बच्चे नवासी बच्चे सिलेक्ट हुए काफ़ी बड़ा है लेकिन मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा इंट करना चाहूँगा किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है सबसे ज़्यादा कुछ बच्चे जो है मुझे पता है वीडियो अंत तक आप नहीं देखोगे तो आप लोग थोड़ा सा नाम सर्च करने पे इतना फोकस ना करें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा सिलेक्शन किस बेस पर हुआ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को जो आपने ट्रेट टेस्ट दिया था उसमें भी नंबर मिले हैं आप लोग पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा आपने जो ट्रेट टेस्ट दिया था उसमें भी नंबर मिले उसी बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन किया गया मेरिट का कट ऑफ मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे पास ही जो एवरेज था और सेक्शन बी का ग्रुप बी का यदि हम बात करते हैं तो लगभग मेरे पास ही एक सौ से एक सौ सत्तर बच्चों का जो है नंबर और कांटेक्ट क्वालिफाई मेरे पास था जितने भी बच्चे सुन रहे हैं जिनका नहीं हुआ है वो भी अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्योंकि सारी चीज़ें अपनी बयां करें जिससे बंदों को जो है एहसास होगा और भी ग्रुप्स का आने वाला है किस बेस पर आने वाला है जिससे क्लियरिटी सामने आती है ओके और आप लोग देख सकते हो मोस्ट ऑफ लोग वाटर कैरियर के ही क्वालिफाइड हुए हैं सफाई वाला के भी आप लोग देख रहे होंगे सफाई वाला के ट्रेड के भी लगभग कितने हैं सफाई वाला एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह लोग सफाई वाला जो है ट्रेड से हैं और लगभग चार लोग वाटर कैरियर से और और माली से सिर्फ एक ही व्यक्ति सिलेक्ट हुआ ग्रुप बी में और ट्रेलर से दो बंदे कॉबलर से दो और सफाई वाला से लगभग आप लोगों के जो 11 थे 12 लोग सिलेक्ट हुए तो इस प्रकार से लगभग कुल मिलाकर नवासी बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं यदि आप लोगों का नाम है तो कमेंट करके जरूर बताना है और हाँ आगे की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा सूचीबद्ध उम्मीदवारों को चिकित्सा के लिए बुलाया जाएगा और चिकित्सा की डेट जो है आप लोगों को मेल करके बता दी जाएगी उनके पंजीकृत मोबाइल या ईमेल पर सूचित कर दिया जाए जैसा कि आप लोगों को पता है अब चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाना नियुक्ति की इसकी कोई गारंटी नहीं है ये सब वो बोल रहे हैं आपसे यदि कोई परेशानी है तो नीचे जो नंबर दिए गए उन पर आप कॉल करके पूछ सकते हो साथ ही साथ अटेस्ट मैन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड कर उम्मीदवार भर भरकर जो चिकित्सा के लिए जमा करें इसके बाद एक फॉर्म भरा जाता है जो कि आपको भरना होगा उसी के बाद ही आप कुछ कर सकते हो और सहायता के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवार निम्नलिखित फ़ोन नंबर पर जो संपर्क कर सकते हैं तो ये सब कुछ मोबाइल नंबर आप लोगों को दिए गए हैं मैं आशा करता हूँ आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी का माहौल रहा होगा तो आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को हज़ारों लोगों तक पहुँचा दीजिए और दीजिएगा इसको हज़ारों लाइक इसी प्रकार लगातार अपडेट एम सी जी आप सभी के लिए लाती रहेगी धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग